वकील ने बुजुर्ग माँ बाप को गोली मार दी। माँ बाप की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। संपत्ति को लेकर के रोज होता था विवाद। मीरगंज के बहरौली गांव का ये पूरा मामला है। तो आरोपी बेटा दुर्गेश फरार हो गया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि संपत्ति के विवाद को लेकर के गोली मारी गई है। मीरगंज के बहरौली गांव का ये पूरा मामला है जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया। तो आरोपी बेटा दुर्गेश मौके से फरार हो गया है। तो डबल मर्डर की वारदात से पहली तहला उठा है। तो वकील ने बुजुर्ग माँ बाप को गोली मारी है, माँ बाप की गोली मार करके हत्या कर दी है। तो आरोपी बेटा दुर्गेश मौके से फरार भी हो गया है। तो संपत्ति को लेकर के रोज विवाद हुआ करता था। अजय कश्यप हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए। अजय, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीष, बताना चाहूंगा ये सुबह लगभग 5 बजे की घटना है और विवाद ये था कि जो मृतक जनता प्रसाद है उसके 2 बेटे थे और वो एक मकान था और उनको बराबरी का हिस्सा करते थे, लेकिन दूसरा बेटा जो दुर्गेश था जो जिसने दोनों माँ बाप की हत्या करी वो उस मकान की बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं था। आए दिन जो है दोनों का लड़ाई झगड़ा होता था और आज सुबह जो है दोनों की जो है गोलियों से भून कर हत्या कर दी। हत्या करके फरार हो गया। पुलिस मौके पे है, तफ्तीश कर रही है, कुछ साक्ष्य उन्हें मिली है। उन्हें कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है आरोपी जो फरार है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल ये दर्दनाक घटना है, इसे लेकर पूरे गाँव में जो है गम का माहौल है। मनीष, बिल्कुल अजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई आगे पुलिस की तरफ से की जा रही है पूरे मामले पर? देखिए, उनको स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि कई बार विवाद जो है इनका चौकी तक भी पहुंचा था, लेकिन चौकी पे हर बार पंचायत लगती थी और उसको निपटारा कर दिया जाता था। पहले ही जो है बहुत ज्यादा नजर में आ रही है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।